शिवपुरी जिले के करवाया फोर लेन हाईवे पर आज ट्रक यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी लगते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चक्का जाम को खुलवाया। ट्रक यूनियन की मांग है कि जिस प्रकार पहले एक्सीडेंट में ड्राइवर को बेल मिल जाती थी, लेकिन अब ड्राइवर को 10 साल की सजा एवं 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का कानून लाया जा रहा है। इस कानून के विरोध में ट्रक यूनियन ने आज चक्का जाम किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हम लगा है भैया समय ड्राइवर टोटल लगा के बैठे हैं, हमें अपना पूरा प्रावधान चाहिए तब बैठेंगे भाई। क्या प्रावधान चाहते हो आप? पूरी होना चाहिए, पूरी चाहिए। ग्रीन काले कानून नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। क्यों लगाया है पाजी? भैया रूल गंदा करे ना, अच्छा रूल नहीं है। हम काम करते हैं, हम 10 लाख रुपए किधर ले आओगे? हमारे पास पैसा किधर है? हम नौकरी से 5000 रुपये देते हैं महीने का, हम कोई कांड हो जाता है, हम इतने पैसे कैसे देता है? हमारे पास कुछ नहीं है। तो कानून से कुछ नहीं हो आप? हाँ ठीक है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई हम सजा नहीं चाहते, हम धंधा ही छोड़ता है गाड़ी का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।